अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह सर आपको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान रखे और सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो लाऊँ। इस दफ़ा कुछ देर होगी वीडियो लाने में, इस दफ़ा जो वीडियो लाया हूँ वो बहुत मज़े की वीडियो है। इस माशरे में हर बंदा परेशान है, मियाँ बीवी में चपलश चिटरापन और दूरियाँ, जिनकी औलाद नहीं उनकी मजबूरियाँ, ये सब देखना पड़ता है। इनको सबको मद्देनजर रखकर मैंने एक प्यारी सी वीडियो बनाई है जो हर मर्द की जरूरत है। मर्द मतलब जो हों वो अपनी रोजा को इज्जत दें, उसकी ख्वाहिशात को मद्देनजर रखकर ये उसका इस्तेमाल करें और अपनी जिंदगी में खुशियाँ पैदा करें। उम्मीद है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और लाइक करेंगे और अपने दोस्त अहबाब को भी शेयर करेंगे, क्योंकि ये बहुत कीमती वीडियो है। मैंने बहुत छान पटक के मुख्तलिफ किताबों से रजू करके ये नुस्खा बनाया है और बहुत ही आसान नुस्खा है, बाज़ार से आसानी से मिल जाएगा और बनाने में भी बहुत आसानी है, खाने में भी आसानी है और तरीका का इस्तेमाल भी बहुत आसान है। और आप ये मेरा नुस्खा नोट कर लें, इसमें तीन अज्जा का इस्तेमाल हुआ है। नंबर एक अकर करा, नंबर दो तुख्मे रेहान, नंबर तीन उज़ा मिस्री। जो लोग शुगर के मर्ज में मुबतला हैं उनसे इल्तमास है कि वो मिस्री का इस्तेमाल इस नुस्खे में ना करें, क्योंकि शुगर उनकी ज़्यादा ना हो जाए। ऐसे तो अगर वो दवाई खा रहे हैं शुगर की तो उसमें कोई मसला नहीं है, लेकिन एहतियातन अर्ज है कि वो लोग शुगर की जो है मिस्री उसमें इस्तेमाल ना करें। तो तुख्मे रेहान को पीसना नहीं है, अकरकरा और मिस्री को पीसना है और पाउडर बना लेना है। पाउडर बना के एक महीने हो जाएंगे तो फिर इसमें तुख्मे रेहान और अकरकरा और उज़ा मिस्री शामिल करके इसको मिक्सर को एक अच्छे से बर्तन में रख लें ताकि खाने में आसानी हो, अलग अपने पास रखें और इसको वक्त पर इस्तेमाल करें। खाने का तरीका का ये है कि सुबह सवेरे एक चम्मच खाना है और एक चम्मच शाम को खाना है। अगर दूध का इस्तेमाल साथ करें तो वो तो सोने पे सोने वाली बात होगी। इंशाल्लाह आपको जो ही ये इस्तेमाल करते जाएंगे नुस्खे को तो आपके अंदर एक कुव्वत पैदा होती जाएगी जिसको आप अल्लाह की तरफ से असा कर दो सेहत कहेंगे। इस सेहत से आपको बहुत खुशी होगी, लज्जत होगी, आपके अंदर एक हैजान सा पैदा होगा, इससे आपकी रोजा भी खुश रहेगी और उसको भी सुकून मिलेगा और उसकी ख्वाहिशात पूरी होगी। मर्द अपनी ख्वाहिशात पूरी कर लेता है लेकिन औरत अपनी ख्वाहिशात बाय तकमील नहीं पहुँच सकती, तो वो मर्द पहले ही फारग हो जाते हैं। ये नुस्खा उन मर्द हजरात के अंदर इतनी पावर पैदा करेगा अल्लाह की तरफ से, उनके अंदर ऐसी सेहत आएगी कि वो बीवियाँ जो कि अधूरी ख्वाहिश रखती हैं वो मुतमिन होंगी और अपने खवान की इज्जत करेंगी और घर में खुशहाली आ जाएगी, खुशियाँ होंगी और मर्द भी अपनी वक्त से पहले फारग नहीं होंगे। जो लोग सेहतमंद हैं वो भी ये नुस्खा इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो कि सर्द और गर्म का कोई ताल्लुक हो। जो अज़राज की तबीयत सर्द है या गर्म है उसको नहीं देखना आपने, ये नुस्खा हर उस तबीयत के मुताबिक बनाया गया है। जो सर्द मिजाज के लोग हैं और गर्म मिजाज के लोग हैं ये सब इस्तेमाल कर सकते हैं, सवाए वो जो मरीज़ जिनको शुगर है या ज़्यादा शुगर की अलामतें पाई जाती हैं वो इसको मिस्री को इसमें ना शामिल करें, सिर्फ मेरे आन अकर करा को इसका जुज बना लें, दो चीज़ें मिला के वो खाना शुरू कर दें। ये तकरीबन दो माह तक खाना पड़ेगा आपको, तो जो जो आप खाते जाएंगे तो जो आपके अंदर एक कुव्वत पैदा हो जाएगी। इंशाल्लाह आप इस पर इस्तेमाल करें और इसको नुस्खे को बना लें, तो बना कर इस्तेमाल शुरू कर दें और इंशाल्लाह आपके अंदर वो कुव्वत पैदा हो जाएगी जिसकी आपको तमन्ना है। और मुझे अपनी दुआ में याद रखेंगे, इंशाल्लाह ये नुस्खा आपको बहुत पसंद आएगा और
अपने दोस्त बाप को भी बताएं कि नुस्खे में बहुत ताकत है, अल्लाह की तरफ से एक करिश्मा है। और उम्मीद है कि आपको ये मेरा नुस्खा सुनाया होगा। और अपने वालदैन का एहतराम करें, नमाज कायम करें और अपने दोस्त अहबाब से शेयर करें। और इंशाल्लाह एक और नया नुस्खा लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।